हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द जियोग्राफी सेंटर में। यहाँ से हम बात करने वाले हैं पर्यावरण भूगोल के चैप्टर नंबर 9 की, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और यूजर पीजीटी एग्ज़ाम के मद्देनज़र हम आपको ये पढ़ाएंगे और इसे संबंधित चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोम, जिसको जीवोम भी कहा जाता है। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं @ ज्योग्राफी जंक्शन के नाम से है, जहाँ पर डेली टॉपिक वाइज क्विज कराई जाती है। देखिए, यहाँ से अगर हम जीवोम की परिभाषा को देखें तो किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सभी प्राणियों और वनस्पतियों को सामूहिक रूप से जीवोम यानी कि बायोम कहा जाता है। अतः जीवोम किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान समस्त पादपों और प्राणियों का समूह है, यानी कि एक इकोसिस्टम यहाँ पे हो गया। इसमें जितने भी जंतु या जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, जितनी भी उनकी प्रजातियाँ हैं, उन सबके समूह को ही बायोम या जीवोम कहा जाता है। अब इसमें पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के बायोम पाए जाते हैं, जिसका डिस्कस इनके बारे में आगे बताया जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें इसकी विशेषता की, तो किसी भी बायोम में एक ही तरह का पारितंत्र होता है, यानी कि इकोसिस्टम होता है, जिसके पौधे एक ही प्रकार की परिस्थितियों में पनपने के लिए एक जैसे तरीके अपनाते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर ये एक बायोम है, ठीक ना, तो इस बायोम का अपना, जैसे मान लीजिए इसको हम नाम दे दें बायोम ए, तो बायोम ए का अपना पारिस्थितिकी तंत्र होगा। इसमें जो भी जीव जंतु होंगे या जो भी इसमें पौधे होंगे, वो चारों तरफ एक समान रूप से दिखाई देंगे। अगर हम एक कल्पना करें बायोम बी की, तो बायोम बी में जो जंतु होंगे या जो वनस्पतियां, जो पौधे होंगे, इनका अपना इकोसिस्टम होगा, वो अपने तरीके से काम करेंगे। दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि मरुस्थल हो गया, ठीक है, मरुस्थल हो गया, तो मरुस्थलों का अपना बायोम होता है। और अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षावन की, ठीक ना, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की बात करें, तो इसका अपना ही अलग बायोम होता है। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे वो इसके अपने हिसाब से होंगे, और यहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे वो अपने हिसाब से होंगे। इसी प्रकार से कुछ बायोम की चर्चा हम लोग करेंगे, जो जलवायु और वनस्पति के आधार पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर तीन प्रकार के क्रम में हम इनको देखेंगे। जैसे प्रथम क्रम के आधार पर हम सबसे पहले जलवायु पर आधारित देखेंगे, द्वितीय क्रम में हम वनस्पतियों पर आधारित देखेंगे, और तीसरे क्रम में जलवायु और वनस्पतियों दोनों पर संयुक्त रूप से हम देखेंगे। यहाँ से अगर हम पहले नंबर पर बात करें उष्णकटिबंधीय जीवों की, जिसमें कि उष्णकटिबंधीय वन जीवों, सवाना जीवों और मरुस्थलीय जीवों आते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पृथ्वी का ये इलाका 23.5 से नॉर्थ से और 23.5 डिग्री साउथ लेटिट्यूड की बात करेंगे, तो जो ये इलाका होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कहीं पर जंगल होंगे, कहीं पर सवाना प्रकार की घास होगी, तो कहीं पर मरुस्थल होंगे। तो इसी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं, जो अलग अलग बायोम के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम उष्णकटिबंधीय वन जीवों की बात करें, तो इसमें सदाहरित वर्षा वन आता है, अर्ध सदाहरित वन जीवों आता है, पर्णपाती वन जीवों, अर्ध पर्णपाती वन जीवों, मोन्नी वन जीवों और दलदली वन जीवों। अगर सवाना की बात करें, तो सवाना वन और सवाना घास भूमि ये दोनों जीवों आते हैं। मरुस्थली जीवों की बात करेंगे, तो शुष्क मरुस्थली जीवों और अर्ध शुष्क मरुस्थली जीवों। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस प्रथम क्रम और द्वितीय क्रम ये देखना है। तो उष्णकटिबंधीय जीवों को हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद आगे देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय जीवों में,
तो इसमें टैगा वन जियोम, जिसको बोरियल वन जियोम भी कहा जाता है, शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जियोम और शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि जियोम। तीसरा है टुंड्रा जियोम, ठीक है, इसमें आर्कटिक टुंड्रा जियोम और अल्पाइन टुंड्रा जियोम आते हैं। देखिए बस नाम आप याद रखिएगा, जैसे कि अगर शीतोष्णकटिबंधीय, देखिए अच्छा एक चीज मैं बता दूं, अगर हम ग्लोब को तीन क्षेत्रों में बांटते हैं तो तीन प्रकार से बटेगा, एक तो उष्णकटिबंध हो गया, दूसरा शीतोष्णकटिबंध हो गया, ठीक है, ये शीतोष्णकटिबंध हो गया, और इसके बाद जो आता है तीसरा वो आता है टुंड्रा जीवों। तो अलग अलग एक दो और तीन, और ऐसे ही सेम नीचे। अब इसमें कोई भी जीवों हो, चाहे वो उष्णकटिबंधी हो चाहे कोई भी हो, उसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक तो वन देखने को मिलेगा और दूसरा घास भूमि देखने को मिलेगी। तो इन दोनों का ही अपना अपना इकोसिस्टम होता है, वन का अपना इकोसिस्टम है, घास भूमियों का अपना इकोसिस्टम है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ हमने उष्णकटिबंधीय जीवों की बात करी थी, तो उष्णकटिबंधीय में उष्णकटिबंधीय वन आया था और सवाना आया था। अब सवाना में देखिए घास भी है और वन भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। इसी प्रकार देखिए टैगा वन भी है, यहाँ घास भूमि शीतोष्णकटिबंध में है ना, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में टैगा वन है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घास भूमि जीवों में, यानी घास और वन दोनों अलग अलग तरीके से मिलते हैं देखने को। तो यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, और जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बायोम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम, ठीक है, दो तीन बायोम इसमें प्रमुख हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, जहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम, यानी कि हम इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सदाबहार वर्षा वन बायोम जीवन की उत्पत्ति तथा विकास के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, जीवन की उत्पत्ति तथा विकास के लिए अनुकूलतम। देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ से बता दूं कि नेट पीजीटी में चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप उठा करके देखेंगे तो यहाँ पर कथन एक और कथन दो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो अगर पर्यावरण से क्वेश्चन आ रहा है तो मुख्यतः कथन एक और कथन दो करके आता है, तो आपको हर एक लाइन पर गौर करना है इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर अगर कथन एक कथन दो नहीं दिया तो फिर कथन और कार्ड दे सकता है, तो यहां से भी इसको समझना, इसको जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बात करते हैं कि सदाबहार वर्षावन वायु जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूलतम दशाएं यानी कि ऐसी दशाएं प्रदान करता है जहां जीवन का विकास और जीवन की उत्पत्ति सर्वोत्तम रूप से हो सकता है। अच्छा काल क्या है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान बना रहता है, इसी कारण इसे अनुकूलतम बायोम कहते हैं, और इसका जीव भार सर्वाधिक होता है। इस बायोम का विस्तार सामान्यतः 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, किसका, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम का। अब डिफरेंस समझिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण होता है, लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम की बात कर रहे हैं, जो कि 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अब यहां से अगर क्वेश्चन पूछ दे और आंसर में 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण है, तो आप तो उसी को करके चले आएंगे, इसलिए थोड़ा डीपली मैं पढ़ाता हूँ और डीपली जानकारी आपको भी होना जरूरी है। अब देखते हैं इसका विस्तार सर्वाधिक अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन तथा इंडोनेशियाई क्षेत्रों
खासकर बोर्निया और सुमात्रा आदि में हुआ है। ठीक है, देखिए ये है अमेजन बेसिन, ठीक है, ये है अमेजन बेसिन, ये है कांगो बेसिन, और ये है बोर्नियो और सुमात्रा, यानी कि इंडोनेशियाई क्षेत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तीन क्षेत्र, 1, 2 और 3, ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन वायु का सर्वाधिक विकास हुआ है। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे, अब यहाँ पर तापमान और जलवायु की क्या परिस्थितियाँ हैं उसको समझेंगे। भूमध्य रेखा पर सूर्य की तीव्रता सबसे अधिक होती है, ये तो आप जानते हैं, और उष्णकटिबंधीय वर्षावन इस क्षेत्र को कवर करता है। सही बात है भाई, क्योंकि विषुवत रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ और विषुवत रेखा से 10 डिग्री साउथ यही ना कवर कर रहा है, इसलिए गर्म और आर्द्र जलवायु का अनुभव करता है। जलवायु ऋतुओं में अधिक विविधताएं नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ से भी देखिए, काल में एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से आता है कि जलवायु ऋतुओं में अधिक विविधताएं किस क्षेत्र में नहीं होती हैं, किस बायोम में या फिर किस कटिबंध में नहीं होती है, तो आपको ध्यान में रखना है। लगभग सभी दिनों में बारिश होती है, जिसकी तीव्रता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, यानी कि अमेजन बेसिन में अलग हो सकती है, कांगो बेसिन में अलग हो सकती है, और इंडोनेशियाई क्षेत्र में अलग हो सकती है। सूर्य की किरणों की अत्यधिक गर्मी जंगल के तल स्तर तक नहीं पहुंच पाती है। तल स्तर का मतलब होता है कि जैसे ये देखिए एक पेड़ है और ये जमीन है, तो यहाँ जमीन तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। ऊंचे पेड़ और उसकी शाखाएं एक छत्र बनाती हैं जो सूरज की किरणों तक फर्श तक पहुंचने से पहले रोक देती हैं, यानी कि ऊपर इतना घना हो जाता है कि सूर्य की किरणें नीचे से नीचे आ ही नहीं पाती हैं। ठीक, देखिए ऐसे पेड़ हो गए तो ऊपर इतना ज़्यादा ये घना हो जाएगा कि सूर्य की किरण नीचे नहीं आ पाती है, जिससे उष्णकटिबंधीय वर्षावल की जलवायु गर्म और गीली हो जाती है। तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है और औसत वार्षिक वर्षा 150 से 400 सेंटीमीटर होती है। कहीं कहीं पर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में 1000 सेंटीमीटर तक की वर्षा भी होती है। अगर हम इसको वर्टिकल रूप से अगर समझें इस प्रकार से, तो सबसे पहले आती भूमिगत परत, जो कि जमीन वाला भाग होता है, ठीक है, जल होता है और धूप यहाँ नहीं आती है। उसके बाद वनतल परक आता है, जंगल का शीर्ष भाग, हल्की धूप, मध्यम जल स्तर, छत्र, फिर झाड़ी परत आता है ना, इसके ऊपर जो झाड़ियाँ होती हैं, जंगल का मध्यवर्ती स्तर है और मध्यम धूप यहाँ तक आता है। इसके ऊपर अगर यहाँ हम एक पेड़ बनाए तो इसके ऊपर ये पेड़ का इलाका हो गया, यहाँ तक धूप जो है कि आती है और यही जंगल के पूरे ऊपरी तल को कवर करती है। ठीक, और धूप बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है इसको। इसके बाद होती है उभरती परत, जो सबसे ऊंची परत है, अत्यधिक गर्मी और हवा का सामना कर सकती है। ठीक है, इसके भी ऊपर जो उभरती, यानी कि जो जंगल के सबसे ऊपर दिखाई देता है, तो यहाँ से इसको ध्यान में रखिएगा, भूमिगत परत, उसके बाद वनतल परत, झाड़ी परत, छत्र परत और उभरती परत। ठीक ना, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ का वन्य जीवन कैसा है और अनुकूलन कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जानवरों की विशाल विविधता है, वनस्पतियों की विशाल विविधता है, गर्म और आर्द्र जलवायु पूरे वर्ष उपजाऊ और सदाबहार वनस्पति पैदा करती है, छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े हाथियों तक की प्रजातियां उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु में रहती हैं। वर्षावन में पाए जाने वाले पौधों की विस्तृत श्रृंखला इसे जानवरों के आवास के लिए एक बड़ा लक्ष्य बनाती हैं। जब सूरज की रोशनी फर्श के स्तर तक नहीं पहुंचती है तो इलाका आर्द्र हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। गर्म और आर्द्र जलवायु इसे बैक्टीरिया और फंगल विकास के लिए आदर्श बनाती हैं। यह जलवायु कवक और इसी तरह की झाड़ियों के विकास के लिए भी अनुकूल है, क्योंकि फर्श पे अंधेरा होता है, यानी कि जंगल की तली में अंधेरा होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जानवरों के पास इस निवास स्थान के अनुरूप शारीरिक विशेषताएं होती हैं। पेड़ हर मौसम में सदाबहार और उपजाऊ रहते हैं, और इन पेड़ों पर रहने वाले जानवर भोजन की तलाश में फर्श के स्तर तक नहीं आते हैं। यानी कि पेड़, देखिए पेड़ के आगे जो वृक्ष होते हैं वो फलदार होते हैं और वर्ष भर होते हैं, तो पेड़ों पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं
वो नीचे नहीं आते हैं, फर्श पे नहीं आते, जमीन भूमि भूमि पे नहीं आते हैं, ठीक है। और जंगल चूंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन विस्तृत भूभाग में फैला है, तो जानवर खुद को अनुकूलित किए हुए हैं वर्षों से, पर इस पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित रहने के लिए बदल गए हैं। अब जैसे बात करेंगे लाल आंखों वाला मेंढक, पेड़ों पर चढ़ने में मदद करने के लिए मेंढक के पास छिपे पैड होते हैं। यह पेड़ पर रहता है और पेड़ पर लगे कीड़ों को खाता है। आंखें रात के समय में भी विशेषज्ञ होती हैं, क्योंकि अंधेरे घंटों के दौरान सक्रिय रहती हैं, यानी कि अंधेरे में भी ये घंटों, लाल आंख वाला मेंढक जो है अंधेरे में भी घंटों सक्रिय रहता है इसकी आंख, और यह पेड़ पर कीड़ों को खाता है, पेड़ पर ही रहता है। दूसरा उदाहरण, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, नेट में भी और पीजीटी में भी। शेर पूंछ वाला मकाक, यह लंबी पूंछ वाले बंदर होते हैं और उनके जो अंग हैं पेड़ों पर चढ़ने और रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जब वे शाखाओं पर चढ़ते हैं तो लंबी पूंछ संतुलन के लिए होती है। यह कीड़े मकोड़ों और फलों को खाता है, इसलिए पेड़ों पर ही रहता है और कभी कभार मुश्किल से ही जंगल की जमीन पर आता है। इसके बाद है टुकेन, इन पक्षियों की बड़ी चोंच पेड़ की छालों को खाने के लिए होती हैं। शिकारियों से दूर रहने के लिए वे विशाल और चमकीले रंग के होते हैं। कीड़ों और भोजन की तलाश में पेड़ की छाल को काटते समय टोकेन के पैर भी पकड़ के लिए अनुकूलित होते हैं। अब कुछ सामान्य अनुकूलन है, अनुकूलन का मतलब इन लोगों ने खुद को वहां के नेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है, यहाँ के जीव जंतु और वनस्पतियों ने। तो छलावरण देखते हैं क्या क्या अनुकूलन किया है। तो पहला है छलावरण, यानी कि त्वचा की बनावट या रंग बदलने की क्षमता, ठीक है, शिकारियों से खुद को बचाने के लिए। दूसरे पंजे वाले अंग, ठीक ना, जब पेड़ों पर चढ़ते हैं और शाखाओं से कूदते हैं तो पंजे पकड़ के लिए होते हैं। तीव्र दृष्टि, चूंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन एक अंधेरा वनतल है, बहुत ज्यादा वहां जमीन के फर्श पे, जंगल के फर्श पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, सूर्य की रोशनी वहां पहुंचती ही नहीं है, तो फर्श पे जो जीव रहते हैं उनकी आंखें बहुत तीव्र होती हैं, जैसे लाल आंखों वाले मेंढक और अन्य सरीसृप। इसके बाद मानसून पर्णपाती वन बायोम की चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ से एक चीज ये नोट, ये पक्का नोट कर लीजिएगा आप कि इस वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। नियोट्रॉपिक्स, मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज वाला भाग, ठीक है, ये वाला। दूसरा है इंडो मलेशियाई क्षेत्र, मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय सदाबहार वर्षावन क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में, यानी कि ये वाला क्षेत्र। तीसरा है पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। इन प्रमुख क्षेत्रों के अलावा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम के कुछ असंतुलित इलाके दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी ब्राजील, मतलब कि लगभग थोड़े बहुत अन्य और जगहों पर भी पाए जाते हैं, लेकिन ये तीन क्षेत्रों को याद रखिएगा, नियोट्रॉपिक्स, इंडो मलेशियाई क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि एक दो और तीन क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा आप। मानसून पर्णपाती की बात कर रहे हैं आप, यानी कि मानसून आने पर जो अपने मानसून के कारण जो पौधे अपने वन पत्तों को छोड़ देते हैं, यानी कि पतझड़ वन, पर्णपाती का मतलब पतझड़ वन की बात यहाँ की जा रही है। भारत और आसपास के मानसूनी क्षेत्रों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में एक वर्ष में तीन मुख्य मौसम होते हैं, क्योंकि मानसूनी क्षेत्र है तो तीन मौसम होगा, ठीक ना, गर्मी का मौसम, आर्द्र गर्मी यानी कि बरसात वाला, और शीत ऋतु यानी कि गर्मी, जाड़ा और बरसात, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल हम सभी समझते हैं। बरसात के मौसम में बहुत अधिक पानी अधिशेष दर्ज किया जाता है, जबकि शुष्क सर्दियों के मौसम में पानी की कमी देखी जाती है, क्योंकि शुष्क मौसम में प्रतिमाह 25 मिमी से कम वर्षा होती है। गर्मी के
के महीनों के दौरान अधिकतम वाष्पीकरण होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी सूख जाती है और मिट्टी पानी में उल्लेखनीय कमी आ जाती है। वार्षिक मानसूनी वर्षा की व्यवस्था उन वनस्पतियों को पर्णपाती चरित्र प्रदान करती है जो सर्दी और गर्मी के मौसम के बीच संक्रमणकालीन अवधि के दौरान अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई मानसून वर्ष में एक ही बार आना है, तो जैसे ही ठंडी खत्म होती है ना, तो गर्मी से बचने के लिए और वाष्पीकरण कम हो इसलिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, पर्णपाती क्षेत्रों में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। अब इनकी संरचना कैसे है, पादप समुच्चय क्या है, क्या तरीका है, क्या चीज़ें, उसको देखेंगे। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षान बायोम की तुलना में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम में पौधों की प्रजातियों की संख्या कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है जितना कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन में होते हैं। इसमें पौधों का घनत्व भी कम होता है और पेड़ों की ऊंचाई 12 मीटर से 30 मीटर के बीच तक ही होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की ऊर्ध्वाधर संरचना में चार स्तर या परतें होती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर और दूसरे स्तर में पेड़ है, तीसरा स्तर झाड़ियों का है और अंतिम और चौथा स्तर शाकाहारी पौधों का प्रतिनिधित्व तो करता है। इस क्षेत्र में, इस बायोम में अधिकांश पेड़ पर्णपाती हैं, लेकिन तीसरे स्तर की झाड़ियां सदाबहार होती हैं। पेड़ों की विशेषता तने का मोटा घेरा, मोटी खुरदरी और खुरदरी छाल, बड़ी हाइड्रोमॉर्फिक पत्तियां होती हैं और कठोर जेरोमॉर्फिक पत्तियां भी होती हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाइड्रोमॉर्फिक और जेरोमॉर्फिक होता क्या है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए कि हाइड्रोमॉर्फिक और जेरोमॉर्फिक क्या होता है और इसका उत्तर मैं क्लास के अंत में दूंगा। देखिए, मुख्य रूप से कई यहाँ पर परतों के ऊपर उगने वाले पौधे हैं जैसे कि लियाना और एपिफाइट्स हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम की तुलना में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम में उनकी संख्या बहुत कम होती है। अब मानसून पर्णपाती वन बायोम का पशु जीवन देखते हैं। देखिए होता क्या है, इस चीज को गहराई से आप डीप में समझ लीजिए। पूर्वी अफ्रीका में एक पक्षी एक वर्ष के दो अलग अलग मौसमों के दौरान दो बार प्रजनन करते हैं। भारतीय कुत्ते आमतौर पर साल में मुख्य रूप से गीले मानसून के मौसम के अंत में प्रजनन करते हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर में साल में एक बार। इसमें विभिन्न प्रकार के छोटे जानवरों से लेकर बड़े जानवर शामिल हैं, जिसमें हाथी घोड़े दरियाई घोड़े घंटा शेर ये सब है। कई प्रजातियों के पक्षी कृषि के विकास कर बायोम पालतू स्तनधारियों की सबसे बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि मानसून पर्णपाती वन है इसमें पालतू स्तनधारी पशु या जीव सबसे ज्यादा है और यही बायोम दुनिया की सबसे बड़ी मानव आबादी का भी वहन करता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप इसको समझ लीजिएगा कि यह किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय मानसून पर्णपाती की अगर बात करें तो यह दुनिया के सबसे अशांत पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है और प्राकृतिक और मानव जनित दोनों प्रक्रियाओं से वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जैसे हर साल जंगल में आग लगने के मामले आते हैं या फिर प्राकृतिक आपदा आती है, बिजली गिर जाता है जिससे जंगल में आग लग जाती है, या जंगल में चरवाहों के द्वारा बीड़ी या सिगरेट के जलते हुए टुकड़े फेंक देने से आग लग जाती है और प्रकृति को जंगल को नुकसान होता है। मनुष्य भी कई कारण है, जैसे मनुष्य झूम खेती, झूम कृषि का मतलब समझते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इसके तहत जंगलों को साफ करता है, काटता पीटता है और बड़े पैमाने पर चराई की जाती है जिससे भी इसको नुकसान पहुंचता है। अब हम बात करेंगे यहाँ से सवाना बायोम की। सवाना बायोम एक प्रकार का घास का मैदान बायोम है,
इसमें बहुत कम पेड़ों वाले खुले घास के मैदान शामिल होते हैं। दो प्रकार के हैं, उष्णकटिबंधीय और अर्ध उष्णकटिबंधीय सवाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाना घास के मैदान यहाँ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। अगर जलवायु की बात की जाएगी तो सवाना की जलवायु मौसम के अनुसार बदलती रहती है, नोट कर लीजिएगा। सवाना की जलवायु मौसम के अनुसार बदलती रहती है। गीले मौसम में मौसम गर्म होता है और सवाना में 50 इंच तक बारिश होती है, लेकिन शुष्क मौसम के दौरान मौसम अति गर्म हो सकता है और वर्षा हर महीने केवल 4 इंच की होती है। उच्च तापमान और कम वर्षा का यह संयोजन सवाना को शुष्क मौसम के दौरान घास और ब्रश की आग के लिए आदर्श क्षेत्र बनाता है ना, बुश यानी कि झाड़ी। सबसे बड़ा सवाना अफ्रीका में भूमध्य रेखा के पास स्थित है, इसीलिए सवाना घास के मैदान का अगर कहीं जिक्र आता है तो अफ्रीका का नाम आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यह बस अफ्रीका में भी है, अन्य क्षेत्रों में भी है, लेकिन जो सवाना का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो अफ्रीका में है। सबसे प्रसिद्ध अफ्रीकी सवानाओं में से एक तंजानिया में सेरेंगेटी नेशनल पार्क है, जो अपने बड़े जंगली जानवरों और जेबरा आबादी के लिए जाना जाता है। अन्य स्थानों में अफ्रीका में अगर बात की जाएगी, केन्या, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना घास के मैदान है, मध्य अमेरिका में बेलीज और होंडुरास, दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला और कोलंबिया और दक्षिणी एशिया। अगर हम बात करें कि यहाँ की वनस्पतियों की, तो सवाना बायोम को अक्सर बिखरे हुए पेड़ों या वनस्पतियों या पेड़ों के समूह वाले घास के मैदान क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है, यानी कि सवाना बायोम में पेड़ बहुत दूर दूर होते हैं और घासें बहुत होती हैं। पानी की कमी के कारण सवाना पेड़ों जैसे लंबे पौधों को ढकने के लिए कठिन स्थान बन जाता है। पानी होता ही नहीं कि पेड़ पौधे अपना जो है कि ऊंचे होंगे या बड़े होंगे, ठीक है, पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होते ही नहीं हैं, घासें होती हैं। और ये घासें कैसी होती हैं, कम पानी मिलता है, गर्म तापमान होता है और उसी के साथ अपना अनुकूलन कर लेती हैं और गीले मौसम बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं, ठीक है, जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो। और सूखे मौसम में पानी बचाने के लिए यह ब्राउन कलर में रंग जाती है, जिससे कि वाष्पीकरण कम भूरी कलर की हो जाती है। अगर जानवरों की बात करेंगे तो हाथी, जिराफ, जेबरा, गेंडा, भैंस, शेर, तेंदुए, चीता, बबून, मगरमच्छ, ये सब मतलब सभी कुछ जानवर सवाना घास के मैदानों में पाए जाते हैं, जो इसके लिए अनुकूलित हैं। और सवाना वायु के कई जानवर चरने वाले शाकाहारी भी हैं, जो इस क्षेत्र से होकर प्रवास करते हैं। वे जीवित रहने के लिए अपने झुंड की संख्या और गति पर भरोसा करते हैं, क्योंकि विशाल खुले क्षेत्र में त्वरित शिकारियों से बचने के बहुत कम साधन प्रदान सवाना में है, ठीक है, यानी कि सवाना जो घास का मैदान है तो बचने के लिए, छिपने के लिए कुछ होता नहीं है, इसलिए ये बहुत तेजी से भागते हैं। यदि शिकार धीमा हो तो वह रात का खाना बन जाता है, और यदि शिकारी पर्याप्त तेज नहीं है तो वह भूखा रह जाता है। यानी कि अगर कोई जानवर धीरे धीरे भाग रहा है तो उसको शिकार कर लिया जाएगा। अगर कोई शिकारी तेज नहीं भाग पाता है ना, भोजन उसको चाहिए लेकिन वह तेज नहीं दौड़ सकता, तो फिर उसको भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जानवर होते हैं दूसरे वाले, ठीक है, वो बहुत तेजी से भाग जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे भूमध्य सागरी बायोम की। भूमध्य सागरी बायोम को स्क्लेरोफिल पारिस्थितिकी तंत्र या बायोम भी कहा जाता है, क्योंकि भूमध्य सागरी जलवायु शुष्क मौसम और गीली सर्दी की विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रमुख पेड़ों और झाड़ियों में विशेष सुविधा और विशेषता का विकास होता है। भूमध्य सागरी बायोम भूमध्य सागरी जलवायु के अकॉर्डिंग ही है दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में। जैसे एक तो भूमध्य सागरी क्षेत्र हो गया, दूसरा दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र हो गया, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो गया, और ये वाला इलाका हो गया ऑस्ट्रेलिया का। उसी तरीके से दक्षिण अमेरिका में चिली हो गया और उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया का क्षेत्र हो गया। स्थिति अगर हम इसकी देखेंगे तो भूमध्य सागरी बायोम महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागरी बायोम महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री, कुछ समय 45 डिग्री तक 800 के बीच विशेष को देखिए, यहाँ भी वेस्ट में है, यहाँ भी वेस्ट में, यहाँ भी वेस्ट में, और यहाँ भी मुख्यतः वेस्ट में ही आपको दिखेगा। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में है और 30 से 40 डिग्री
अक्षांशों के बीच में, ठीक है, दोनों गोलार्धों में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी हम बात करेंगे तो ये 30 डिग्री और ये 40 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में भी अगर हम बात करेंगे तो 30 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ की बात करेंगे, ठीक है। भूमध्य सागर की सीमा से लगी यूरोपीय भूमि, अमेरिका के मध्य और दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका में चिली, भूमध्य सागर की सीमा से लगे उत्तरी पश्चिमी और ये सारे क्षेत्र, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में तथा भूमध्य सागरी पश्चिमी तुर्की सीरिया, ये यहाँ से देखिए मैं आपको दिखाया था ये, ठीक है, ये कैलिफोर्निया का क्षेत्र, ये चिली का क्षेत्र, ये दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र, ये भूमध्य सागरी क्षेत्र और ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र। यहाँ की अगर जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ की जलवायु में तीन विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। इस बायोम की वनस्पति को स्क्लेरोफिल विशेषताएं प्रदान करती हैं, जिसमें सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है लेकिन गीली, यानी कि यहाँ बारिश ठंडी के मौसम में होता है जबकि गर्मियाँ शुष्क होती है, यानी कि गर्मी के मौसम में बारिश, जैसे भारत में क्या होता है, गर्मी का मौसम रहता है तो बारिश होती है, वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ गर्मी के मौसम बारिश नहीं होती, ठंडी के मौसम में बारिश होती है। ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है जबकि सर्दियाँ मध्यम ठंडी होती हैं। पूरे वर्ष पर्याप्त धूप रहती है, यानी कि धूप हमेशा रहेगी लेकिन गर्मी में धूप थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अब ऐसा हुआ क्यों है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशिष्ट जो दशाएं हैं या विशेषताएं हैं, सूर्य के उत्तर और दक्षिण की ओर प्रवास के कारण, दबाव और पवन पेटियों के मौसमी बदलाव के कारण विकसित हुआ है। यानी कि सूर्य का जो उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है, उसके कारण जो है कि पवन पेटियाँ खिसक जाती हैं और उनमें मौसमी बदलाव होता है, जिसकी वजह से भूमध्य सागरीय जलवायु विकसित हुई है। ग्रीष्म ऋतु लगभग शुष्क होती है और शीतकालीन वर्षा पश्चिमी हवाओं से जुड़े चक्रवाती तूफानों के माध्यम से प्राप्त होती है। अगर हम यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करेंगे तो ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो ग्रीष्म ऋतु की शुष्कता को सहन कर सकती हैं, यानी कि गर्मी है लेकिन पानी की कमी है, क्योंकि गर्मी में पानी बारिश होनी नहीं होना नहीं है, फिर भी वो सहन कर जाती हैं, और ऐसे लक्षणों को स्क्लेरोफिल्स लक्षण कहते हैं, इसीलिए इसको स्क्लेरोफिल बायोम भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और विभिन्न प्रकार के इसमें पौधे हैं, जिसमें वुडलैंड वन, जंगल से लेकर झाड़ियों तक, मिश्री सदाबहार वन से लेकर हर प्रकार के वन और पेड़ पौधे झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगे। स्थानीय नामों के आधार पर भूमध्य सागरीय बायोम के विभिन्न हिस्सों में झाड़ियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे दक्षिणी यूरोप में झाड़ियों को माक्विस या गैरिग्यू कहा जाता है, कैलिफोर्निया में इन झाड़ियों को चैपरल कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में फिम्बोस या फिम्बोश कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में मैली स्क्रब कहा जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ पशु जीवन की बात करेंगे तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में कशेरुक जानवरों के लगभग 201 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 75% पक्षी प्रजातियाँ हैं, ठीक है। कैलिफोर्निया और चिली क्षेत्रों में के बड़े स्तनधारियों में खच्चर, हिरण और चिली गुआना को शामिल है, लेकिन बाद वाला अब जो चिली गुआनाको है वो अब धीरे धीरे विलुप्त हो चुका है, ठीक है। इसने अपने भोजन की आदत बदल दी है और वह इतना ज़्यादा बदल चुका है कि चरने वाले जानवरों में बदल गया है। स्तनधारियों में गिलहरी और चूहे, खच्चर, ये सब हिरण बहुत ज़्यादा है। भूमध्य सागरीय वनस्पति पर मनुष्य के बढ़ते दबाव के कारण भेड़िया और पहाड़ी शेर जैसे कई शिकारी प्रजातियाँ, ग्रिजली भालू जैसे विविध बच्ची प्रजातियां अब दुर्लभ प्रजातियों की श्रेणी में आ चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि मनुष्य का शिकार आखिर बहुत ज्यादा और मनुष्य का प्रभाव उस क्षेत्र में ज्यादा हो गया है। तो उम्मीद है कि बायोम से संबंधित ये चीज आपको समझ में आई होगी, और कुछ प्रमुख बायोम को हमने जो पढ़ा था वो भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ से हमने क्वेश्चन एक पूछा था आपसे कि कमेंट करके आप बताइएगा। कहाँ गया?
हाँ, ये हमने पूछा था कि हाइड्रोमॉर्फिक और जेरोमॉर्फिक क्या होती हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रोमॉर्फिक पत्तियां अभी होती हैं, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को पेड़ों और ज़्यादा से ज़्यादा जल को रोक रोक लेती हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जल को ये पत्तियां क्या करती हैं, रोकती हैं। ठीक है, जबकि जेरोमॉर्फिक पत्तियां क्या होती हैं कि ऐसा नहीं करती। जेरोमॉर्फिक पत्तियां पानी को रोकती हैं, ठीक है, और ये कुछ मोटे टाइप की होती हैं, कांटे टाइप की होती हैं, कांटेदार होती हैं। ठीक ना, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और हाइड्रोमॉर्फिक बड़े बड़े छोटे छोटे होते हैं, पानी को रोकते हैं, और जो जेरोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है, ये कांटे वाले होते हैं, मोटे मोटे छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो जियोग्राफी जंक्शन के नाम से है, और जो भी डाउट है आपको उसको आप कमेंट करके पूछिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।